कभी बहुत पढ़े हैं, एग्जाम्स भी पढ़े हैं, आई थिंक जब पैसे लेने होते हैं तब पढ़े हैं, तो पैसे पापा से लेते नहीं थे, तो मम्मी के वाया मम्मी से जाते थे, तो पैसे तब मिलते थे। और ऐसे वाले मामलों में, ऐसे मामलों में मम्मी समझ जाती, बोलती नहीं है। अच्छा, पर हो जाता है। यहाँ बहुत वोकल है मम्मी, बहुत कुछ बोल रही है। यहाँ मम्मी तो अलग अलग कर रही है, अलग अलग कर रही है। बदलिहाज आपको बोला है और झुड्डू आपको बोले, क्या 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 मतलब होता है और क्यों बोला है, बताइए। इतने अच्छे अच्छे लोगों को ये सब बोला जा रहा है, मतलब अब मैंने तो बहुत लिहाज किया, मतलब पीकेबी 2 से इसका लिहाज ही करते हुए आ रही हूँ, तो अब ठीक है, अब बोलेंगे बद लिहाज बोल लो। और झुड्डू, अब ये झुड्डू तो है ना, व्हाट डिड आई नो अबाउट दैट, वो इसने प्यार से बोला झुड्डू। अच्छा, मैंने वो दिल से मानती, मेरी मम्मा बोलती थी और वो सामने बैठी है, तो मेरी हिम्मत तो कुछ नहीं है अभी करने की, इसकी मम्मी आज आई नहीं है तो इसका जो मन करेगा बोलेगा। मेरी मम्मी नहीं आई, अभी अभी पता लगाते हैं। कप्तान साहब, give it up for Navjot Gulati, ladies and gentlemen, come on. And इतना ही नहीं, उनके साथ I'm sure जैसे उन्होंने अपनी मम्मी की भूमिका में देखा होगा, come on, give it up for the very gorgeous, the very beautiful Poonam Dhillon ji, come on, जोरदार तालियां हो जाएं, ओए ओए, ओए ओए, वो smile. चले मम्मी मत बोलो मुझे अभी, welcome ma'am, so good to see you. And before I talk to your director saab, please tell us, इतना time ऐसे लगाते हैं क्या इतनी कमाल की performance देने में? इंतजार की मतलब ऐसा घड़ियां खत्म ही हो रही थी? ये इससे पूछिए नवजोत से, पता नहीं इसकी मम्मी ने इसको क्या क्या अत्याचार किए हैं कि he's turned out to be, ये मम्मियां ऐसी होती हैं, ऐसी तरह होंगी ना मम्मियां? मैं सोचता हूँ फिल्म में पता चलेगा। क्या हुआ था, कभी तो कुछ हुआ होगा ना ऐसा भाई, कभी बचपन में जैसे? अरे पहले आप ये बताओ, मेरी मम्मी कहाँ? मम्मी जगराता पे गई थी। कल ये करो सर। अच्छा, कौन सा ये दिन से कौन सा चल रहा है? चलने तो कोई नहीं भाई, बताओ ना ये क्या हुआ था ऐसा बचपन में, कौन से ऐसे हृदय में निशान आए हैं जो यहाँ पे निकाल रहे हैं सारी खुंदक मम्मियों के? नहीं खुंदक नहीं है, ये तो मेरी सारी मम्मियों को ट्रिब्यूट है। इट इज, मतलब हमारे देश में और कुछ हो ना, एक ही चीज है जिसके लिए सब जुड़ जाते हैं, होती है माँ। राइट, तो ये फिल्म मेरे माइंड में तो एटलीस्ट वही है, पेपर भी वही है, बनी क्या वो आप देख के बताना। अमेजिंग, ऑल आई वांट टू से इज, इससे पहले बापों को अपने खानदान की इज्जत बचाते देखा था, यहाँ पे माएं हैं जो जुट पड़ी हैं और हम उन दोनों को एक नहीं होने देंगे इस टाइप से, इट्स अमेजिंग। मैम वन मोर सवाल, ये जैसे आपने गोद में उठा लिया, ये कैसे हुआ था, ये हाउ इज इट पॉसिबल है? मम्मियों का जोश नहीं पता आपको? अगर कुछ रोकना हो तो मम्मी एक स्वीट स्माइलिंग मम्मी से एक दुर्गा माँ बन जाती है, तो बाहुबली बन जाती है, बाहुबली। सो जहाँ गलत हो रहा हो तो माँ के अंदर की जो ममता जागती है तो बहुत जोश आ जाता है, है ना? एक की मम्मी तो वही है, उनको पूछ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज बता दीजिए, जैसे यहाँ आप अपने पड़ोसन से लड़ रही हैं, ऐसा रियल लाइफ में होता है कि तेरा कचरा मेरे घर में आ गया, मेरा कचरा तेरे घर में, कभी हुआ है यहाँ पे? देखिए हम सब लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, आप समझ लीजिए ये तो एक नेबर एक एक है, बिल्डिंग में तो 100 नेबर्स होते हैं, क्या क्या होता होगा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, पर होता है। वो प्रॉब्लम्स यहाँ भी होती है, बता दूं मैं आप लोगों को। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, टू इनवाइट ऑन स्टेज द पीपल हु बैक दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट, एंड सबसे पहले वो नाम, अगर ये किसी फिल्म के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं वो ब्लॉकबस्टर हो ही जाती है, द रॉकिंग द एवर सो अमेजिंग मिस्टर भूषण कुमार, लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, जोरदार तालियां हो जाए हमारे साथ। अब उनको मैं बुलाने जा रहा हूं जिनके नाम पे, ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा, टी सीरीज के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, लव फिल्म्स, एंड ही इज समवन हूज गिवन अस सम ऑफ द बेस्टेस्ट, यू नो, ऐसा एंटरटेनिंग फिल्म्स, ही इज द वन द ओनली लव रंजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, जोरदार तालियां। ऑफ कोर्स उन्होंने भी इसको बैक किया और इसमें अपना जितने भी इनपुट्स थे वो दिए, गिव इट अप फॉर मिस्टर अंकुर गर्ग, लेडीज। और हम जानते हैं कैसे यू नो उनकी, वो खुद एक विजनरी रहे हैं और अब उनके सपने को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन एक और पिलर है वो स्ट्रेंथ का, दैट्स योर मॉम। जितनी बार हमने उनको देखा है वो उनकी आंखों में वो प्राउड यू नो एक फक्र रहता है आपके लिए, हाउ डू यू सी ऑल दैट, उनके लिए क्या कहेंगे आज? सी इट्स हर जन के लिए अपने फादर और मदर की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड फ्रॉम द बिगनिंग जब से मैंने अपना बिजनेस संभाला है मूवीज म्यूजिक का, मेरी मॉम ही है जिनको मतलब लुक अप करके, मतलब माय फादर एंड माय मदर,
तो उनकी ब्लेसिंग से ही सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं एंड वही ब्लेसिंग आई थिंक एवरीबडी आई थिंक ऑन दिस स्टेज हैव दैट थिंग इन माइंड ऑनली। सर यहाँ ये सवाल ना कोई पूछने का मतलब थोड़ा सोचते, मैं तो पूछ ही लूंगा आज, मुझे ये बताइए ऐसा ये जब आप बड़े हो रहे थे तब कुछ इस टाइप की हरकत के लिए कभी सर चित्तर पड़े, मतलब ऐसे डांट वाट पड़ी मम्मी से? सबसे पहले टॉकिंग अबाउट दिस कैची टाइटल, जय मम्मी, जय मम्मी दी, सारे बोलो जय मम्मी दी, मिल के बोलो जय मम्मी दी, आवाज नहीं आई बिल्कुल, फुल तैयार है हम लोग सिनेमा घर में, क्या होने वाला है 17 को वो हम देखने के लिए, ये कैची टाइटल से लेके और इस फिल्म को बैक करने तक की ये पूरी जर्नी, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। यार टाइटल का क्या है कि एक्चुअली नवजोत ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जय माता दी, तो बहुत टाइम तक इस फिल्म को लेके डिस्कशन चल रहा था कि टाइटल क्या करना है, मैंने कहा तूने बनाई है, फिर हमने सोचा जय माता दी है, फिर भूषण जी हैं और थोड़ा आपने ट्रेलर में देखा होगा थोड़ी सी नॉटीनेस भी है, मैंने कहा जय माता दी टाइटल के साथ थोड़ा सा उसमें एक वेरिएशन ले आते हैं, तो इसलिए उसको जय मम्मी दी कर दिया, ऐसा नहीं लगे धार्मिक पिक्चर है। और एट द सेम टाइम वो वैल्यूज, वो मम्मी से जैसे बच्चे डरते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो है, ये क्या है? और हम लोग ना हमेशा लव स्टोरीज देखते हैं और देखते हैं लव स्टोरीज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े होते हैं, लेकिन हमेशा लव स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट रियल लाइफ में बहुत बड़े नहीं होते हैं। और पहले के वक्त में आप देखिए फिल्में बनती थी और बड़ा नाम ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ऋषिदा फिल्में बनाते थे कि एक फिल्म मुझे याद है आई थिंक उसका नाम किसी से ना कहना था या था ऐसे कुछ नाम था, एंड जिसमें ये था कि उनको बहू नहीं चाहिए थी जो इंग्लिश बोलती हो जी, जी। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है और उनकी खासियत ये थी कि वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके उसके अराउंड पूरी कहानी बनाते थे, तो नवजोत ने बड़ी खूबसूरती से ये चीज़ लिखी है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी की बहन को शादी के दिन छोड़ दिया है जिसकी वजह से खानदान में दुश्मनी हो गई है और 3-4 खून हो गए हैं, और ऐसा सब कुछ नहीं है, बस बेसिक सी लड़ाई है कि कूड़े वूड़े की लड़ाई हो रही है और दो मम्मियां हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मम्मियों की अलग पावर होती है जी। तो उनको कौन समझाएगा? हाँ, मतलब वो नेमेसिस हैं एक दूसरे की, जानी दुश्मन है वो, हम जानेंगे डायरेक्टर साहब समझा पाए अच्छे से या नहीं, लेकिन कमाल दिख रहा है जो भी दिख रहा है। अंकल दिस वन्स फॉर यू, प्लीज टेल अस कि ये जैसे लव सर ने भूषण सर ने फिल्म के बारे में बताया, कोलैबोरेशन के बारे में बताया, ये डायरेक्टर साहब के बारे में बताओ, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ऐसा कितना परेशान किया लाइक? एक्चुअली नवजोत तो बहुत ही नॉन डिमांडिंग डायरेक्टर है। अरे हाँ, मतलब नवजोत ने इतना परेशान नहीं किया, मेरे जो दोस्त है यहाँ पे ये ज्यादा परेशान करता है, सारी डिमांड उनको देता हूँ ना। हाँ, कि तू इसे ये भी दे दे, तू इसे ये भी दे दे, नहीं ऐसा होना चाहिए, सब कुछ मांग लेता। अब वो नवजोत लव के थ्रू डाउट कर रहा हो तो अलग बात है, सब बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ छोड़ दो, ये सर्कल चल रहा है बोला, मैं उनसे मांगता हूँ, ये वो आगे, इसलिए डिसाइड किया कि कुछ भी मांगना अंकुश सीधे है ही नहीं। और ये मेरे पास भी आके ये नहीं कभी बोलता है कि ये चाहिए, ये ना हमेशा वो दुखती रग होती है ना इंसान की, मैं प्रोड्यूसर तो अभी बन गया हूँ, मैं हूँ तो बेसिकली डायरेक्टर, तो ये ना हमेशा बात करता है कि ऐसा करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और वो और अच्छा ना मेरे लिए मतलब वो ऐसी वाली चीज है कि और अच्छा हो जाएगा, हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन और अच्छा हो जाएगा, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं रह जाता ना। लव का और अच्छा तो भूषण जी और मुझसे कोई बेटर नहीं जाएगा। दिख रहा है वो दुखती रखते अभी सर को, मतलब आज पहली बार ऐसा माइक की खींचाती नहीं हुई है हमारे प्रोड्यूसर्स के बीच, जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग ड्रीम टीम लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड यस ऑफ कोर्स इट्स राइट, चले चल तूफान से पहले का सन्नाटा है, देख रहे हो एकदम, ये बताइए एज अ कोस्ट आप कौन सी क्वालिटी है सोनाली में जो नुसरत में नहीं है, और नुसरत की ऐसी कौन सी क्वालिटी जो सोनाली में नहीं है? एक्चुअली दोनों शूट के बाद एक दूसरे से बात करती हैं, तो दोनों की क्वालिटी सेम ही है दोनों, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, आई थिंक वी हैव दैट केमिस्ट्री। और सोनाली का ये है कि सोनाली अपने तरीके से करती है काम, नुसरत अपने तरीके से करती है, बट एक ग्रुप है यू नो बहुत टाइम से, तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली, तो सबकी क्वालिटीज अनोखी हैं। सोनाली व्हाट यू वांट, ये मिस्टर वर्ल्ड का आंसर था आपको खिताब मिल चुका है, बट सोनाली यू टेल मी, आप फ्रेंडली बताएंगे, आप बताइए सनी और कार्तिक के बीच में क्या फर्क है, बिकॉज़ सिंस यू हैव वर्क विद बोथ। अब ये पहले गाना गाएंगे फिर बताएंगे, फिल्टर लगा लिया ये,
ये पहले जब सनी को देना था जवाब तो कितना ऐसे बोल रहे थे मिस्टर वर्ल्ड का आंसर है ना वहां पे, अब खुद पे आई तो अभी देते आंसर व्हाट्सएप कर देना सब से आई मैं अगर बहुत आई मीन आई गिव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर कि मेरे लिए मेन डिफरेंस आई एम श्योर दे ओके आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट स्पेस आई विल जस्ट से इट अप फ्रंट I am more fond of Sunny, so for me, he's always better to work because I have that kind of chemistry, relation, fondness. Yeah, so that's why. Thank you. Hi. Hi. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. मतलब वैसे भी थोड़ा सा शाय किस्म का हूँ तो मैं मुझसे पूछ लो लेके आपको आंसर दे सकता हूँ हेलो मतलब कोई भी ना सब्जेक्ट किसी के दिमाग में तब आता है जब उसके साथ वो गुजरती है तो ऐसा कुछ आपके साथ है कि आपको मम्मी की बहुत बड़ी गालियां पड़ी हूँ तो आपने फिल्म बना डाली उस पर क्या है कि मैम मेरा वो एक वो बन गया है कि मेरी हर कहानी में ना जो भी मैंने लिखी है बनाई है या जो बनाना चाहता हूँ माँ का कैरेक्टर सेंट्रल हो ही जाता है क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ लाइफ में इंस्पायर्ड है कि मतलब नहीं पढ़ती भी है वो तो होता ही है डांट भी पड़ती है बट कहीं ना कहीं वो एक फैसिनेशन हमेशा से थी कि और मैंने अपने आसपास हमेशा ये देखा था कि स्पेशली फिल्मों में जैसा कि लव ने बोला कि बापों की और फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो मेरे को होता है यार कि पर लाइफ तो अलग है लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम मम्मी की वजह से होती है तो वो उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता सो दैट वॉज द सॉर्ट ऑफ जेनेसिस ऑफ द फिल्म और वट एवर has come out. Hi. Sunny ji se mera sawal hai ki aapko hamesha hai na to aapko aisa aap is role se khush hai ki aap chahte hai ki kuch aapko aisa thoda dashing type dabang type role mile I think ma'am ye kafi relate bhi karta hai matlab har ek insaan ke apne emotions hote hain jo movie ke through aap dikhate ho to jab aap comedy karte ho you enjoy this piece aur aap har ek tarike ka karna chahte ho तो वो आई बीन वेरी लकी बिकॉज ऑफ लव सर जो मेरे को रोल मिले हैं और इवन जय मम्मी जी तो आई थिंक हर एक मूवी का अपना एक अलग यू नो एक तरीका है और एक अलग कैरेक्टर है वो मैं प्ले करता हूँ आई विल लव टू डू डिफरेंट रोल्स ऑल्सो मतलब अब मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस करा तो काफ़ी डिफरेंट है मतलब कहीं ना कहीं लुक भी डिफरेंट है जैसे उजड़ा चमन में भी लुक डिफरेंट है तो वो हर एक इंसान मतलब जो पिक्चर देखने जाता है तो हर एक चीज़ तो दिखती है So it's just that if I get some action comedy, I will definitely do. Like, I'm just waiting for the right script also at the same time. Honor bata diya Sunny ne, kisi paas hai to action comedy. I met Karthik in this film as well as a cameo. I think we'll start with love, sir. Actually, yeah. क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों को cameo जब इसने किया, तब तक ये film बन चुकी थी. तो अगर मुझे पहले पता होता कि ये करने वाला है तो मैं पूछ लेता कि देखिए कर रहा है तो इसमें तू कर दे कह रहे कि वो लेकिन मौका ही नहीं आया तो नहीं वो तो नहीं है लेकिन सनी तूने नोट करके रखे तूने एक किया है तेरे को एक कराना है आगे कर मैं अभी नोट कर लूंगा आगे कराना आपने जो पहला सवाल पूछा था सी सनी के साथ मेरी ये चौथी फिल्म है और सोनाली के साथ तीसरी फिल्म है मेरे तो आप किसी भी एक्टर की अगर बात करें तो विच फिल्म्स एक्टर्स बेहतर होते हैं मतलब उनको अपना काम और बेहतर आता जाता है तो अगर आप चेंज पूछें कि इन दोनों में क्या चेंज आया है तो चेंज यही आया है कि इनको अपने काम की और ज़्यादा बेहतर समझ है काम बेहतर समझते हैं और उसके अलावा एज पीपल तो कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने साथ शुरुआत की थी तो आपस में तो बिहेव ऐसे ही करते हैं जैसे तब करते थे हाँ एक्टर्स और बेहतर होते चले जा रहे हैं मुझे लगता नहीं मैं अलग जनरेशन के साथ कर रही हूँ आई फील दिस जनरेशन ओनली बिलीव मी आई एम एक्चुअली हैविंग सच फन विद देम सोनाली हो सनी हो मतलब दिस होल टीम हैज बीन मुझे they don't make me feel ke I'm a senior actor they make me feel one of them respect pura dete hain but pyar bhi utna dete hain we have a great comradeship in working together we party together also yeah we party together we chat together so I think it's a very comfortable feeling with the new lot at least the ones I have worked with
And I think what I have learned from them is a different kind of discipline, punctuality, commitment to work, which earlier एक star system में थोड़ा सा लिहाज हो जाता था stars के लिए कि जब आते हैं जब चले जाते हैं. So this has changed a lot. There's a lot of discipline, which I really enjoy and appreciate. Love sir, प्यार के पंचनामा से आपकी भी एक बहुत अलग उम्मीद तो करनी नहीं चाहिए. कितनी शुरुआत हो चुकी है सर? ये शुरुआत नहीं हुई है अभी, लेकिन उम्मीद डेफिनेटली करनी चाहिए. इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी है, उसको आगे बढ़ाएंगे. कब बढ़ाएंगे वो फ्रैंकली मैं इस वक्त नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने भी वो खुद सोचा नहीं है. लेकिन अगर आप ये पूछें कि क्या मैंने सोचा है कि उसको आगे बढ़ाएंगे, हाँ मैंने सोचा है उसको आगे बढ़ाएंगे. भूषण सर, नए कंटेंट चांद दे रहे हैं, नए नए कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेरिमेंट करने की कुछ सोच रहे हैं आपकी, कुछ ऐसा फिल्म हट के कुछ हो, क्योंकि जो भी आ रही है रोमांटिक और कुछ अलग अलग आ रही है, कुछ नई एक्सपेरिमेंट की कुछ? देखिए कंटेंट, आप जिस भी तरीके के कंटेंट, अलग कंटेंट होंगे लोगों को, आज अगर कंटेंट देखने का इंटरेस्ट है, लोग देखने जाते हैं फिल्म, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट. जिस तरीके का अच्छा कंटेंट, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो जैसे हमारी एक हिस्टोरिक फिल्म आ रही है जो तानाजी है, और प्लस कॉमेडी फिल्म, दिस इज अ कॉमेडी फिल्म, पति पत्नी और वो भी एक कॉमेडी फिल्म थी. सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो पब्लिक देखना चाहती है. वी लुक इन टू द मार्केट कि क्या लोग ज़्यादा पसंद करें, एंड देन वी गेट इन टू दैट फिल्म. सोनाली जी, यहाँ स्ट्रेट looking at you know the kind of struggles that your mom went through in her life, you know, growing up in a family without a male figure has been very inspirational. Could you talk about it if possible? Sure, maybe a little bit. See, the story and the life that she has had and I've had, it's not possible to kind of put it in a nutshell even, but it's definitely a very inspiring one. In fact, she's right here. My real life mommy is right there. All I can say is that a lot of my strength and the fact that I'm here comes from her. And you know, हमारी film है शादी की permission and mother का उसमें role, but not only in terms of a domesticated life or whether it's love life or all of that, but in every phase of our life, I think the role of your mother is so important, and her influence is so important that it kind of reflects everywhere in your life. Apart from that, yes, she's had her share of difficulties, but she's standing here ever so beautiful and strong, and so am I. So yeah, that's it. Yeah. Hello, good afternoon, everybody. Poonam ji, mera sawal aapse hai. So what I want to ask you is, you are like forever Sony. I mean, everybody kind of remembers the character. Now, what I actually want to ask you is, how is it working with the newer lot of directors, and what all has changed in the industry? Again, taking from Rahul's question for that matter. Thank you for the compliment. Firstly, you're welcome. In fact, जब मुझे इस फिल्म में एक इस तरह की मम्मी प्ले करना था, तो it's very contrary to my image. You know, I'm this loud, boisterous, and extremely aggressive in places mother. So we used to laugh so much. We'd do a shot and then we'd have a good laugh at what I just did. So I think we are all actually Punjabis sitting in a row here. So ye loudness thodi si inherent hai hum sab mein. So I think Navjot is a very, I would say, mild director. He doesn't make it sound like I'm the captain of the ship everywhere and makes his thing. So I think I really appreciate that. You like a director who knows his job. At the same time, he gives you space to find your way. And when he doesn't agree with it, he'll tell you. And that I think is what the new directors are. They're fully well versed with their craft. They do their homework and come right to the shot divisions what they're going to do. Trust me, I have also worked with directors who sat on the set and written the dialogues. कि अभी अगले scene में ये lines होने वाली हैं, या इस scene में ये lines होने वाली हैं. So it's a great change of professionalism which I see. And it's wonderful to work with the new directors. I'm looking forward to working with a lot of the young and new directors, and that includes you too. Hi, love. Hang on. आपके हिसाब से पूनम जी, आपके हिसाब से क्या exactly change हुआ है बॉलीवुड में from the era that you worked or you've been a part of as the mainstream main heroine to this very day?
You mean industry at large or my experience as now playing the mother? No, industry at large. Industry at large, I think firstly, सबसे important चीज जो हुई है, the digital influence. आजकल हर चीज आप करते ही सारी दुनिया जैसे अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है हमारे इसकी सो दैट इंडस्ट्री हैज चेंज बिकॉज वी आर मार्केटिंग आवरसेल्व्स वेरी डिफरेंटली हमारे टाइम में हम हर चीज प्राइवेट रखना चाहते थे वी डिडंट आई नेवर हैड मीडिया कम इनटू माय हाउस टू शूट माय बेडरूम फॉर एग्जांपल और फोटोग्राफ माय चिल्ड्रन सो थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ एवरीबॉडी इज शोइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड आई वुड से मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट Digitalization in every field, in technology, the way we can do VFX effects, the way we can market ourselves, all that has changed and the world has become so reachable in every sphere. Hi, love, on your left, this is Faridun from Bolidagama. On your left, hi. Producing your contribution to a film varies. Like in this case, this was a script that Navjot had written. And it wasn't a story that we developed together or you know he developed with me or he came to me with a script. और वो स्क्रिप्ट लेके आए थे तो वो ऑलरेडी उतनी अच्छी स्क्रिप्ट लेके आए थे कि जिसमें मतलब जो चीज़ सही है उसको ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करके क्या मिलने वाला है उसके अलावा क्योंकि हमने जब इस स्क्रिप्ट पे कोलैबोरेट किया उससे पहले भी मैंने और नवजोत ने काफ़ी डिस्कशन स्टोरीज पे स्क्रिप्ट पे जनरली की हैं फॉर हिम एज अ राइटर तो ये मेरा ना बहुत ही बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशन था अगर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसने अगर कुछ पूछा तो मैंने बताया मतलब वो इट वाज मोर अबाउट द फैक्ट दैट एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा था मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा इस बात का था कि इसने मुझे मैनिपुलेट किया कि और पैसा डालो इसको आई वुड लाइक टू आंसर दिस बिकॉज मेरे लिए ही हैज बीन अ फिल्म स्कूल जब इन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरी फिल्म बनाऊंगा वो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था ये मैंने बहुत कोशिश करी थी ये फिल्म बनाने की बहुत लोगों के पास लेके गया था मैंने फाइनली इनको जब फिल्म सुनाई तो फिल्म सुनने के सब वक्त कुछ भी रिएक्शन नहीं था बहुत चुप रहे कुछ भी नहीं बोले और मैं तो कॉमेडी लेके गया था और एक भी रिएक्शन नहीं मुझे लगा आज तो पिटने वाला हूँ मैं कि मतलब यार ये फिल्म तो अब नहीं बनने वाली तो नरेशन खत्म होने के बाद मैंने यही बोला मारोगे क्या यहाँ जाऊंगा तो उस इन्होंने मुझे बोला रुक एक मिनट ये अंदर गए और चेक लेकर आए मेरे हाथ में दे दिया बिना किसी पेपर वर्क के जो यहाँ पे कोई नहीं करता है और बोला ये पिक्चर मैं बना रहा हूँ आज से ये पिक्चर मेरी हुई सो सिंस देन ही एंड द एंटायर टीम एट लव फिल्म्स दे हैव बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ दे हैव बीन हेल्पिंग मी गाइडिंग मी इन मेकिंग श्योर कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी उसको जस्टिस मिले तो मैनिपुलेशन मैंने काफी करी है बहुत सेंटी मैसेजेस भी भेजे हैं पर होपफुली रिजल्ट ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ वर्थ इट था So yeah, to sum up your question, his contribution has been immense and at every step and he has never imposed himself. It has always been me who goes to him ki yaar ye aise karega and he has always come up with a better suggestion and made the script or the film better. So main aisa koi miss word wala answer nahi de raha hu, ye actually mein hua hai. Yaar main kya chakkar hai na ki I want to complete this. See, ye koi acche jawab dene isliye nahi baat hai. Main iski jagah reh chuka hu. राइट तो और कुमार जी और अभिषेक जिन्होंने मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी उन्होंने भी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था मतलब मैं जो डायरेक्टर हूँ वो शायद इसलिए बन पाया क्योंकि उन्होंने बनने दिया उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं या कभी अपने आप को मुझ पर इम्पोज नहीं किया तो होता क्या ना कि कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ लेके मैं चल रहा था कि देखिए कुछ चीज़ें वो सही करेगा कुछ चीज़ें वो गलत करेंगे राइट लेकिन अ डायरेक्टर नीड्स टू फाइंड हिज ओन वॉइस अगर मैं एक पॉइंट के बियॉन्ड हर चीज़ में घुसता चला जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं फिर मुझे प्रोड्यूस करना नहीं चाहिए फिर मुझे सिर्फ डायरेक्ट करनी चाहिए और अपनी फिल्म में डायरेक्ट करनी चाहिए बट टू बी अ प्रोड्यूसर यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स इवेंचुअली अ डायरेक्टर्स मीडियम इट नीड्स टू स्टे अ डायरेक्टर्स मीडियम और वो फिल्म इवेंचुअली उस पर सिग्नेचर डायरेक्टर का होना चाहिए अगर वो नहीं है तो फिर आप प्रोड्यूसर सही नहीं है And what are your creative inputs in the film? See, whenever we are choosing any script, obviously we see the different genres of the films, which like Kabir Singh was totally different from the comedies which we are doing. And luckily, हमें as a production house जो हम scripts choose कर रहे हैं और select कर रहे हैं, तो they are working. So we are very happy about it. So there is no any USP ऐसी कोई
कोई स्टिक फॉर्मूला नहीं है कि आप सोच समझ के चीज़ें आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो विद द ऑडियंस कि ऑडियंस उस दौरान कौन सी चीज़ें पसंद कर रही है। आपने गलत समझ लिया है, एक महिला पूछ रही है। मेरा सवाल देखो, घर में कुछ भी अच्छा होता है वो माँ की वजह से होता है। कोई बहुत बड़ी विपदा आती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्यूशन भी माँ ही लाती है। बट माँ का दिल थोड़ा कोमल और थोड़ा चंचल होता है, तो कभी कभी माँ को अगर कोई चीज अच्छी ना लगे तो आपको, आपने देख ही लिया क्या होता है। तो ऐसा कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे सब माँ को पसंद करते हैं। वो कह रहे कि प्रॉब्लम्स भी माँ ही क्रिएट करती है, जैसे मेरी फिल्म में माँ ने, मेरी, मैं ये नहीं बोल सकता मेरी मम्मी मारेगी मुझे। टीसीरीज के साथ और लव फिल्म के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था उसमें? एक्चुअली टी सीरीज के साथ एक्सपीरियंस सब इसी बात से जानते थे कि हमारी सारी पिक्चरें जो रही हैं वो टी सीरीज के साथ ही बन रही हैं। हमारा पहला सोलो प्रोडक्शन सोलो के डी टू की स्वीटी टी सीरीज के साथ था, तेरे पे आते ये है, इसके आगे मलाल, सो हमारा मॉरल पूरा लाइन अप हम साथ ही कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो भूषण जी के साथ बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट मतलब टी सीरीज फॉर अस इज़ लाइक फैमिली, चाहे वो विनोद हो, शिव हो, मतलब एवरी वन इज़ वेरी कम्फर्टेबल वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। बाकी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये है, मैं क्रिएटिव से दूर रहता हूँ, मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान देता हूँ, बाकी बाकी क्रिएटिव मेरा दोस्त देख लेता है। पैसे के बगैर स्मूथ, दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शंस आई हैव वर्कड विद, ट्रूली आई ऑलवेज से दैट। ये क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, मैं मम्मी से शिकायत करूंगा तुम्हारी। कोई सोनाली से मेरा क्वेश्चन, हाउ मच हैज इट हेल्प यू इन योर कैरेक्टर, मतलब जो पूनम जी के साथ जो आपकी केमिस्ट्री है, हाउ मच That has helped you, मतलब जब आपके कैरेक्टर हुआ। I like that term, mama's girl. Okay, mama, I'm mama's girl. Now you know it. Actually, a lot. In fact, I am completely mama's girl, and I respect everyone's mothers. The one thing was that the film is called Jai Mummy Di, so obviously, mummy hai film mein. मैंने नवजोत से सिर्फ ये पूछा था, स्क्रिप्ट में मम्मी था और ये भी अपनी माँ को मम्मी बुलाता है और मैं भी मम्मी बुलाती थी। आई सेड आई वुड लाइक टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम माय ओन लाइफ विच इज मैं मम्मा बुलाऊंगी। सो आई कॉल पूनम जी मम्मा इन द फिल्म, दैट इज समथिंग दैट आई डू इन रियल लाइफ एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी दिल्ली थिंग बिकॉज वी आर फ्रॉम द नॉर्थ, सो वो मैंने रियल लाइफ से लिया। बाकी तो सब इजी था बिकॉज मैं अपनी ही मम्मा की सारी बातें सुनती हूँ, फिल्म में भी मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। So I was a good girl, just सामने सामने से सब कुछ सुना है, पीछे क्या चल रहा है तो अभी मैं तो पता चले या ना। ये रवि सर आखिरी सवाल है, हाई लव क्या हो रहा है, क्या वो शेल्फ हो गई या पोस्टपोन कर दी गई है, कुछ बता सकते हैं अगर आप? सर देखिए मैं बताऊंगा सिर्फ इतना कि शेल्फ नहीं हुई है क्योंकि उस पे काम चल रहा है, बनेगी और उसके बारे में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट मैं करूंगा। आज जय मम्मी दी की बात करते हैं, उसकी जिस दिन बात करूंगा अनाउंसमेंट हो चुकी होगी, उसके बाद फिर उसकी बात करूंगा। पूनम जी दिस इज हीना बदर है फिल्म की मम्मी में, और रियल लाइफ के बेटे को संभालना ज्यादा आसान है अनमोल को या इनको? Oh my God, that's an easy question. देखिए as any mommy will tell you, जितने भी आपके बच्चे अच्छे हो, you may say they are the best children in the world, तंग तो फिर भी करते हैं, right? And there's always this balance कि आप as your mother अपनी authority, do you want to show your authority or you want to let the individuality come out? So you know you have to balance the two. Somewhere you have to realize कि अब ये भी बड़ा हो रहा है, इसकी खुद की ख्वाहिश है, and at his age he is allowed to have his own decisions. So somewhere that seesaw always continues, that I feel I'm right and I can't let them make mistakes, but at the same time they have a right to choice. So ये दुविधा हमेशा चलती है, which I think all mothers must be facing. I have a question. So you've been a mainstream female lead in the 70s and the 80s, and you've had a very glorious career as an actor, but female actors after a bit they have a very short shelf life. You know, we're seeing you also in a film like this after a very long time. What do you have to say about female actors' shelf life now? Well, I think things have changed. Well, I actually, so to say, I started my career at 16 and by 26 I was almost, when the moment I got married, I thought I was like now quitting films. I did continue doing films,
But today I'm seeing the heroines come into the industry at maybe 26, they work till 40 plus. And that taboo, okay, married lady kaam nahi kar sakti hai, married heroine nahi kar sakti, fortunately has gone out of the window. Because they keep themselves fit, they look gorgeous, glamorous. Just because she's married, it doesn't matter. I mean, in Hollywood we say women get married 5 times and they're still the heroines. Yahan to hamari bechari heroine ek shaadi kare to isko out kar dete hain. And second thing I would say that I've been saying no to a lot of films because somewhere I couldn't get myself to do ek side pe khadi maa bol rahi nahi beta aisa nahi kar sakte. I just couldn't get myself to do that. So I was very happy to receive a juicy role of a mother, and not only mother, I think a woman of substance of any age, any kind of positioning, I'd be very happy to do, but I would like good roles. So that's why I must thank Love and Navjot both for thinking of me for this role. And I hope after this people, of course, isme sweet and meechi nahi hoon, thodi si teekhi churi bhi hoon, but it's good fun doing a character which has so many dimensions.